ओके दोस्तों, तो फाइनली मेरा छोटा सा बेडरूम मेकओवर या बेडरूम सेटिंग चेंज पूरा हो गया। दिन में क्या हो गया था, मैं काफ़ी एक्टिव होके काम कर रही थी और अचानक लाइट चली गई। फिर मुझे बीच में काम रोक के मैं नहाने चली गई, फिर खाना खाने के बाद मैं सो गई और अभी फाइनली इवनिंग को उठ के मैं ये फाइनल शूट कर रही हूँ। और एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन देना था, ये जो वॉलपेपर है ये सैम ने लगाया था जाने से पहले, और नीचे में काफ़ी गैप छोड़ दिया है। इसका रीज़न ये है कि इस हिसाब से प्लान किया था कि यहाँ पे साइड टेबल होगा, ड्रेसिंग टेबल और यहाँ पे बेड होगा, तो इस साइड का एरिया बिल्कुल दिखेगा ही नहीं। तो सैम ने इसीलिए ये एरिया ब्लैंक छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे बिस्तर आ जाएगा तो दिखेगा नहीं, और ऊपर तक ये लगा दिया वॉलपेपर। अब थोड़ा अजीब दिख रहा है क्योंकि ये खुल गया है बिस्तर हटने के बाद, बट आई एम स्टिल हैप्पी विद द लुक क्योंकि फ्रेश लुक दिख रहा है अभी चेंज होने के बाद। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि नहीं, मैंने ये साइड दोनों साइड वॉल्स और ये सेंटर वॉल में काम किया था जो कि मैंने वीडियो में दिखाया, और जो अपोजिट साइड का ये वॉल जो है मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो हाँ दोस्तों, मैं इस वॉल के बारे में बात कर रही थी। इस साइड का मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि यहाँ का मैंने दो दिन पहले काम कर लिया था। ये जो पेंटिंग्स है ये मैंने खुद बनाया है, एकदम बहुत ही सिंपल DIY पेंटिंग्स है। मैंने लगभग 40 पेंटिंग्स बनाए होंगे ऐसे सिंपल डेकोरेशन के लिए। तो अगर मैं 40 पेंटिंग्स खरीदती तो इट विल बी क्वाइट एक्सपेंसिव, तो मैं नहीं चाह रही थी कि इतना ज़्यादा खर्च करूँ। तो बहुत बोल लिया और कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब क्विकली बिना टाइम वेस्ट करते हुए आप लोगों को एक क्विक ओवरव्यू दे के मैं वीडियो को ख़त्म करती हूँ, तो चलते हैं।